तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस न्यू ब्रांड वीडियो में। एंड आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप अपनी पिक्चर कैसे चेंज कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल तो आपको पता है पिक्चर कैसे चेंज होती है, बट आज हम कुछ अट्रैक्टिव दिखाने वाले हैं। मतलब जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर वेरीफाई मार्क आपको दिखाई दे रहा है एंड एक जो आउटलुक है, इसकी जो आउटलुक है वो काफ़ी ऑसम है। तो आज यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं एंड काफ़ी इजी और काफ़ी सिंपल है, जिससे कि आपकी प्रोफाइल अगर कोई भी चेक करता है, मतलब जिसने आपको फॉलो नहीं किया हुआ है वो आपकी प्रोफाइल को चेक करता है तो उसको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। क्योंकि एक तो वेरीफाई साइन आपको मिल जाएगा और एक आउटो लाइन जो मिल जाती है फ्रेम की, आपको मतलब एक बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में फ्रेम मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी ऑसम लगता है देखने में, ट्रस्टेड भी लगता है बंदे को। तो आज हम इसी ट्रिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप इस ट्रिक को कैसे अपने प्रोफाइल में यूज कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है। तो बात करते हैं इस टॉपिक की। तो इस टॉपिक के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली आपको अपने फ़ोन में क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर आपको मैं वैसे तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगा, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड मैं आपको अपने फ़ोन के ऊपर दिखा देता हूँ, चाहे जैसे कि आप मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर रहे हो, मतलब मैंने दूसरे अकाउंट से ओपन किया है, तो यहाँ पे आपको वेरीफाइड मार्क दिख रहा है। ये वेरीफाइड जो मार्क दिख रहे हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी यूनिक सा लगता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो भाई आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्रोम ओपन करना है और आपको नॉर्मली सर्च कर लेना है। अगर सर्च करना चाहते हो तो प्रोफाइल पिक्चर मेकर ऐसा सर्च करना है और आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर नहीं सर्च करने का कष्ट उठाना चाहते तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो जाके। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल सा ही दिख रहा है जो इंटरफेस दिख रहा है, आपको इसको ओपन करना है एंड यहाँ पे अपलोड फ़ोटो करना है। तो अपलोड फ़ोटो में आपको जो भी पिक्चर लगानी है, मतलब अपने प्रोफाइल पिक्चर जो भी लगानी है वो यहाँ पर अप्लाई कर लेनी है। तो उसके लिए हमें सपोज करो मैं अभी के लिए ये फ़ोटो डाल लेता हूँ, ये मेरी फ़ोटो नहीं है बट मैं डाल लेता हूँ, सामने पड़ी है तो मैं इसको उठा के डाल लेता हूँ एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मतलब एडजस्ट, तो यहाँ पे जो ये वेबसाइट है ना ये काफ़ी ओसम एंड काफ़ी अच्छे फीचर देते हैं, बट यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम ये है कि वेरीफाइड मार्क नहीं मिलेगा, जो कि मैंने अभी आपको अपने प्रोफाइल में दिखाया, आपको वहाँ पर वेरीफाइड मार्क दिख रहा है। अगर आप देखना चाहते हो दोबारा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो ये जो आपको वेरीफाइड मार्क दिख रहा है ना यहाँ पर, ये वेरीफाइड मार्क इसमें आपको नहीं मिलेगा, बट मैं आपको इसमें दिखा दूंगा वो आपको कैसे लाना है। तो यहाँ पे सिर्फ हम आउटलाइन की बात करते हैं, जो आपको आउटलाइन है एंड यहाँ पे स्टॉक की बात कर लेते हैं कि ये स्टॉक हम कितना रख सकते हैं। तो इस स्टॉक को हमें बड़ा कर लेना है, जितना भी हम बड़ा करना चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से इतना काफ़ी ठीक रहेगा, काफ़ी यूनिक भी लगेगा। एंड उसके बाद हमें नीचे आ जाना है, इसको यहाँ पर 0 पर रखना है और इसकी डेंसिटी आप जितना चाहो उतना कम या ज़्यादा कर सकते हो यहाँ पर। तो ये कर लेनी है, यहाँ पे मैं फुल प्रिंट कर देता हूँ, मतलब फुल कर देता हूँ टोटल। एंड यहाँ पे आप कलर चॉइस कर सकते हो, मतलब आपको ग्रेडियंट कलर चाहिए, मतलब जैसे कि आपको लग रहा है कि इंस्टाग्राम रिलेटेड है तो आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं ये यूज कर लेता हूँ तो ये लग जाएगा। बस ये मैं इसलिए आपको बेस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ना काफ़ी ऑसम फीचर मिल जाता है कलर चेंज करने के, बट मैं जो दूसरा आपको बताने वाला हूँ वहाँ पर आपको सिंपली व्यू मिलेंगे, वहाँ पे आप इतना अच्छे से नहीं कर पाओगे। मतलब मैं कह सकता हूँ वहाँ पे आप मार्क तो लगा लेंगे बट जो यूनिक फीचर है, मतलब आपके जो बॉर्डर का फीचर है वो आप यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हो, मतलब कलर वाइज अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये है, आप नॉर्मली कोई भी कलर लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर ये कलर लगा के दिखा देता हूँ आपको, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड यहाँ पर डेंसिटी मैंने कम कर दी, तो ये दिखाता हूँ मैं आपको करके। तो ये भी काफ़ी यूनिक लग रहा है, काफ़ी मस्त और काफ़ी यूनिक है। यहाँ पे फ़िल्टर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब जैसे कि ये फ़िल्टर मैंने लगा दिया तो यहाँ पे अपने फ़िल्टर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो इसको हम नन कर देते हैं अभी के लिए एंड यहाँ पे दोबारा से बॉर्डर पे आ जाते हैं। एंड बॉर्डर पे यहाँ पे आप नॉर्मल अगर सॉलिड कलर चाहते हैं तो सॉलिड कलर भी आप रख सकते हो, मतलब सिंपल एक ही कलर आपको रखना है तो वो भी आप रख सकते हो, तो सिंपल ही है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो ये दूसरी हमारी अनलिमिटेड की, तो इसमें सिंपली आपको यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं। तो इसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको सिंपली फाइल सेलेक्ट करनी है, मतलब ऐसी कोई भी फाइल जो आपको चेंज करनी है। सपोज करो मैं ये लगा लेता हूँ अपना जो अभी, हाँ तो अभी की बार हम अपना फ़ोटो लगा लेते हैं ये वाला, तो इसको अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा,
तो उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं कि मैंने अभी अपने प्रोफाइल में ये वाला बॉर्डर लगाया हुआ है, बट अभी मैं आपको ये करके दिखाने वाला हूँ। तो ये मुझे काफ़ी ऑसम लगा एंड काफ़ी अच्छे अच्छे बॉर्डर है इसमें, बट दिक्कत वही है कि यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते। मैं जैसे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं बॉर्डर के, तो यहाँ पे हम वो चेंज नहीं कर सकते। अगर वो चेंज करना चाहते हैं उसके लिए आपको पहले वाली वेबसाइट पे काम करना पड़ेगा। सिंपल है यार, कर सकते हो आप आराम से। बट यहाँ पे अगर वेरीफाइड की बात करते हैं, यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है वेरीफाइड, उसके बाद आपको राइट टिक करना होगा यहाँ पे, मतलब इसको वेरीफाई करना पड़ेगा एंड उसके बाद में अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ तो इतनी बात करते करते हमारे यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुका है एंड यहाँ पे थोड़ा आउटलुक दिखा रहा है, डॉगी दिखा रहा है भागता हुआ यहाँ पे। तो अभी हम थोड़ा चेकआउट करने वाले हैं कि आखिर हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर हमने बनाई है वो कैसी देखने में लग रही है एंड उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। तो सिंपली ये ऐसी देखने में लग रही है जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, तो मैं सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, ओपन लिखा हुआ आ गया, तो हम इसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी ऑसम लग रही है एंड काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ऐसे आप नॉर्मली अपनी प्रोफाइल में राइट मतलब एक वेरिफिकेशन मार्क ला सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इंस्टाग्राम रिलेटेड, कोई भी क्वेरी हो आपकी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर हो सकता है तो मैं उसका बिल्कुल आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।